सर्दियों का मौसम अब शुरू हो चुका है। ऐसे में कई महिलाओं का ये सवाल होता है कि सर्दियों में पीरियड्स जल्दी क्यों आते हैं, तो आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। सर्दियां कुछ लोगों को पसंद होती हैं तो कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते। अच्छी बात यह है, पर याद रखें कि ये मौसम महिलाओं के लिए पुरुषों की तुलना में ज्यादा कठिन होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन सर्द दिनों में न सिर्फ आपका मूड बल्कि आपके पीरियड्स कुछ ज्यादा जटिल हो सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। सर्दी के मौसम में दिन बहुत मायूसी भरा होता है। ये ज्यादा कष्टदायक भी हो सकता है क्योंकि आप ज्यादा आसानी से बीमार हो जाते हैं। अगर ये काफी नहीं है तो ऐसा लगता है कि सर्दियों के महीने आपके पीरियड्स पर भी कहर ढा सकते हैं। नहीं, हम यहाँ मजाक नहीं कर रहे हैं। सर्दी आपके पीरियड्स पर असर कर सकती है। इस तरह ठंड के दिनों में पीरियड्स आपको और भी ज्यादा परेशान कर सकते हैं। तो जानते हैं सर्दियों के दौरान आपके पीरियड्स जल्दी क्यों आते हैं। सबसे पहला है ओवरी की गतिविधि में कमी। मौसमी बदलाव आपके मासिक धर्म चक्र को प्रभावित कर सकते हैं। पिछले एक स्टडी के मुताबिक सर्दियों के दौरान महिलाओं में हार्मोन स्त्राव और गर्मी के महीने की तुलना में चक्र 0.9 दिनों तक बढ़ जाते हैं। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में ओवरी की गतिविधि ज्यादा होती है। ऐसे में महिलाओं को उनके पीरियड से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा PMS बिगड़ जाता है। महिलाओं को पता होना चाहिए कि ठंड के महीने में उनके मासिक धर्म से पहले लक्षण PMS ज्यादा जटिल हो सकते हैं। उन सर्द दिनों के दौरान महिलाएं घर के अंदर ज्यादा समय बिताती हैं, कम चलती हैं और ज्यादा खाती हैं। ये चीजें आपके मासिक धर्म चक्र को खराब कर सकती हैं और मासिक धर्म से पहले लक्षणों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। तो अब सर्दियों के मौसम में इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, आइए जानते हैं। जब बाहर का मौसम अच्छा होता है तो बाहर बहुत समय बिताना स्वाभाविक है। अलग अलग स्टडीज से पता चलता है कि जो महिलाएं ज्यादा एक्टिव होती हैं उनमें कम सक्रिय रहने वाली महिलाओं की तुलना में ज्यादा रेगुलर पीरियड साइकिल होते हैं। जिस तरह तनाव आपके मासिक धर्म को प्रभावित करता है उसी तरह मौसमी बदलाव भी ऐसा कर सकता है। लेडीज, आपको सर्दी के मौसम में सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए अगर सिरदर्द, मतली, सूजन, पेट में दर्द, स्तन कोमलता और थकान जैसी PMS लक्षणों में प्रभाव बिगड़ता है तो बस डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा आप और क्या कर सकती हैं? संतुलित आहार लेना याद रखें, नियमित रूप से कसरत करें, वजन कंट्रोल रखें, मासिक धर्म की ऐंठन और पेट दर्द को प्रबंधित करने के लिए हॉट बैग का इस्तेमाल करें। आपके लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और मासिक धर्म के दर्द से निपटना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।